अम्बाला ही नहीं पूरे देश भर में ही ऑनलाइन फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं। इसी से जुड़ा एक मामला अम्बाला शहर का है, जिसमें एक डिलीवरी बॉय ने अपनी ही कंपनी से डिलीवरी का सामान चोरी किया, जिसको पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसी के घर से गिरफ्तार करके सारा सामान रिकवर कर लिया है। इसमें 7 मोबाइल और 2 स्मार्ट वॉच, 3 एयरपोर्ट व 1 जूतों की जोड़ी थी। आगे की पूछताछ की जा रही है कि इसमें कोई और तो शामिल नहीं है। लोगों ने अब ऑफलाइन शॉपिंग बंद करके ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दिया है। ज्यादातर लोग व्यस्त होने के चलते ऑनलाइन सामान मंगवाना ही पसंद करते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों के साथ फ्रॉड होने के मामले भी सामने आने शुरू हो गए हैं। इसी तरीके का एक मामला अम्बाला शहर से सामने आया है, जिसमें सुभाष नगर में कोरियर कंपनी के इंचार्ज सतबीर की फैक्ट्री से कोरियर का सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रिंस नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया। ज्यादा जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिली थी कि कोरियर फैक्ट्री से सामान चोरी हो गया है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रिंस नाम के लड़के को सामान चोरी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान प्रिंस से 13 आइटम मिली है, जिनमें 7 फोन, 2 स्मार्ट वॉच, 3 एयरपोर्ट और 1 जूते का सेट शामिल है। इसके साथ ही आगे की जांच की जा रही है कि किसी और व्यक्ति का तो इस चोरी में हाथ नहीं है। ये सुभाष नगर में कोरियर कंपनी का वहाँ पे ऑफिस है और वहाँ पे एक सतबीर वहाँ पे हबी इंचार्ज है। उन्होंने कंप्लेन की थी कि उनका कुछ जो कोरियर का सामान जाना था वो सामान चोरी है और वो वहाँ से उनकी उस फैक्ट्री से मिसिंग है, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था। और वहीं पे एक डिलीवरी बॉय जो काम करता था, प्रिंस नाम का लड़का, उसको इस मैटर में हमने अरेस्ट कर लिया है और उसके कब्जे से हमें करीब 13 आइटम मिले हैं, जिसमें से 7 फ़ोन हैं, कुछ इसमें से एप्पल के फ़ोन भी हैं, 3-2 स्मार्ट वॉच हैं, 3 एयरपोर्ट हैं और 1 पेयर शूज़ का भी है, जिनकी कुल कॉस्ट 2,26,000 रुपये के आसपास है। सर, ऑनलाइन लोग सामान मंगवाते हैं, मंगवाते फ़ोन है, उसमें निकलता कुछ और है या कोई और आइटम मंगवाते हैं, खिलौने निकल जाते हैं कीमती सामान के बदले, तो उससे जुड़ा हुआ तो मामला नहीं? उससे जुड़ा नहीं, उससे अलग है। ये इसने सामान खुद वहाँ से निकाला है अपने ऑफिस से और सामान को ये इसकी नीयत थी कि इसके कहीं पे ये बेचेगा और उससे ये अवैध रूप से पैसे कमाना चाहता था, लेकिन इसका सारा सामान हमने इसके घर से ही रिकवर कर लिया है और अभी तक हमें इसमें 13 आइटम मिल गए। सर, कितने कुछ चोरियां इसने अभी तक कबूली है और इसमें कुछ और लिस्ट में है, उनको हम उनको भी तलाश के लिए जल्दी हम अपना केस में कार्रवाई करेंगे। सर, कोई सीसीटीवी फुटेज भी मिला है? फुटेज इसमें ली गई है, फुटेज इसमें मिल गई है, इसकी सामान निकालते हुए।